नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौसगंज का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में गैस रिफिलिंग का काम चल रहा है, जो कि अवैध रूप से चलाया जा रहा था। तो वहीं पर थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची सप्लाई इंस्पेक्टर ने छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद किए। सप्लाई इंस्पेक्टर सुवेलिका सक्सेना ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गौसगंज में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम चल रहा है, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। तो वहीं पर मूसानगर पुलिस की मदद से छापेमारी की गई, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग 50 सिलेंडर और एक ओमनी कार बरामद की गई। मैडम, क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर हैं और आप थाना मूसानगर किस बात को लेकर आई? मैं सप्लाई इंस्पेक्टर घुगनीपुर। आज थाना मूसानगर के प्रभारी जी ने फ़ोन करके बताया कि कुछ दुकानों पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर उनको प्राप्त हुए। उन्होंने यहाँ पे दुकान पे छापा मारा तो उनको कुछ गैस सिलेंडर मिले, तो इसी की सूचना पा करके हम यहाँ थाना मूसानगर में आए। तो यहाँ पर परिसर में करीब 40 गैस सिलेंडर रखे हुए प्राप्त हुए, जिसमें से 34 बड़े सिलेंडर और 6 छोटे सिलेंडर हैं, तो जो कि अवैध रूप से दुकानों में पाए गए, तो उसके लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इंडियन प्राइम न्यूज़ के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर की रिपोर्ट।